नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, छोटा सा वीडियो होगा। हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनका ब्रह्मचर्य बार बार टूट रहा है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको, ठीक है, ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए, वीर की रक्षा के लिए। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। जा मतिह सा गतिह। अब ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, अब जरा ध्यान से समझो। जा मतिह सा गतिह, अब इसको जरा समझना ध्यान से। देखो असल में हो क्या रहा है हमारे बहुत से भाइयों के साथ में जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है। उनका सबसे पहला कि बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं, गंदे विचार, अश्लील विचार बहुत सारे आएंगे। इतने विचार आ रहे होते हैं कि कई बार तो हेडेक हो जाता है, सर दुखने लगता है। हम जैसे तैसे चलो बहुत से भाई गोली दवा ले लेते हैं, ठीक है। विचार लगातार आते हैं, हम गोली दवा ले लेते हैं, जैसे जैसे एक दो तीन दिन कर पाते हैं, उसके बाद अचानक मति में आता है कि यार एक बार वीर नाश कर लेता हूँ। बहुत सारे भाई हैं जो 5 दिन 10 दिन करते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है एक बार कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, एक बार कर लूँगा तो आखिर हो क्या जाएगा, इतने समय से तो कर ही रहा हूँ ना, एक बार कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। यही होता है, मति में आया। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। जा मति है सा गति है, ठीक है। अब देखो हमारी मति में आया कि यार एक बार वीर नाश कर लेता हूँ बस, और तुम उस समय 5 दिन 10 दिन तुम्हें होते हैं, तुम ये पाते हो कि बहुत से भाइयों को ऐसा लगता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, शायद मैं कोई गलती तो कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना एक बार और वीर नाश कर लेता हूँ, एक बार बस अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कल से नई शुरुआत करूँगा। ये मति यहाँ पर आपकी जो है, अब यहाँ पर आपने वीर नाश कर दिया, अब दूसरे ही पल आपकी मति बदल जाएगी। जैसे ही आपने वीर नाश किया, अब आपकी मति में आएगा क्या यार, अच्छा खासा 5 दिन से 10 दिन से कर रहा था, अब एक गिल्ट आ रहा है अंदर यार, अब फिर से स्टार्ट करो, फिर से वो सब पूरे नियम मानो, और फिर से वो एक एक दिन बीतेगा, कितना मुश्किल लगता है, इतने दिन से कर रहा था और एक दिन में मैंने बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी मति बदल गई, जैसी मति वैसी गति। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो अब जैसे तुम्हारे अंदर जो विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, अब चाहे वो किसी चीज़ को देख के आ रहे हैं या स्वतः ही तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, तुम ना चाहते हुए तुम्हारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति आ रहे हैं, कोई फोटो के प्रति आ रहे हैं। बहुत से भाई कहते हैं भाई कुछ टीवी में देख लिया, किसी एक्ट्रेस को देख लिया, ऐसे ही कुछ कोई धारावाहिक चल रहा था, हमारी नज़र पड़ गई, उसमें कोई लड़की सुंदर है, उसके प्रति विचार आने लगे। तो देखो मैंने कहा है आप लोगों से, विचार तो आएंगे। अगर आपको भी लड़कियों को देखकर गंदे विचार आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को पहले ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। बाकी अब जरा समझो आपको इसी समय क्या करना है मेरे भाई। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य को बोझा बनाना बंद करो, लोड लेना बंद करो, ठीक है। इसको लोड लेना बंद करो। हमारे बहुत से सारे जो भाई हैं ना, वो कर क्या रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य पालन शुरुआत करते हैं लेकिन बहुत सारे बोझे के साथ। ऐसा लगता है किसी ने उन पर बड़े बड़े बोरे रख दिए हों कि ले भैया पालन कर। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को फ्री करो और अपने दिमाग को कहो भैया विचार को आने दो, ठीक है। आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाद में उस वीडियो को पहले देखना, पहले इसको समझो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जब 5 या 10 दिन आपके होते हैं ना, तो आपको पहले तो ये सोचना बंद करना है, आपकी मति में आएगा, आपको आएगा कि यार एक बार कर लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, बहुत कुछ हो जाएगा, तुम इतने सालों से कर रहे हो, साइड इफेक्ट तुम्हारे सामने है, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें भ्रमित करने के लिए होता है, हमें यहीं पर इसको रोकना है, यहीं पर इससे लड़ाई करनी है। और अगर हम इससे जीत गए, और इससे कैसे जीत सकते हैं, एक लक्ष्य बनाकर हम जीत सकते हैं, ठीक है। और अपने मन को लगातार कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा गलत, और ना ही मैं कुछ गलत देखूंगा किसी को देखकर। अगर मेरे मन में से विचार आ रहा है तो उस विचार में प्रबलता मत दो। जैसे कि अगर तुमने देख लिया कोई लड़की है, अब उसमें प्रबलता मत दो। तुम प्रबलता कैसे देते हो, उसके चेहरे को देखोगे, तो धीरे धीरे इमेजिनेशन करने लगोगे तुम बहुत सी चीज़ें। प्रबलता नहीं देना है, विचार आया इग्नोर करो, जय बजरंगबली बोलो, जय ब्रह्मचर्य बोलो, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ, बस इतना बोलो हृदय से, पॉजिटिविटी से, ठीक है। इतना बोलो बस हो गया काम, ठीक है। अपने हृदय से बोलो इतना हो गया बस काम आपका, कि मैं ब्रह्मचर्य का हूँ, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ, और आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी मति तो बार बार बदलेगी, क्योंकि ये अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। इसे कंट्रोल में लाने के लिए नियम अनुशासन की बेड़ियां बांधो और मजबूती के साथ आगे बढ़ो मेरे भाई, ठीक है। तो बस यही कहना चाह रहा था। बाकी हाँ, नाइटफॉल के ऊपर एक महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। अभी 2-1 दिन से ज़रा वीडियो नहीं आ पा रहे थे, थोड़ा बिजी भी था मैं, और कुछ वीडियोज़ पर मुझे थोड़ा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो खैर वीडियो आएंगे, परेशान मत होना मेरे भाई, बस एक मजबूती बना के रखो। अगर आपके पास एक जीवन में एक अच्छा लक्ष्य है, और आपके पास एक है मोटिव कि नहीं यार मुझे ये चीज़ को पाना है, तो तुम्हें हेडेक वेडेक नहीं होगा। बस तुम्हारे अंदर अभी बोझा ये है कि यार वीर रक्षा करनी है, वीर रक्षा करनी है, ब्रह्मचर्य करना है, आपने इसको बोझा बना लिया है। बोझा बनाना बंद करो, इसको बोझ बनाना बंद करो भाई, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहो, लंबी गहरी सांस लो, और जो तुम्हारा कार्य है उस पर ध्यान लगाओ, एक्सरसाइज करो, योग प्राणायाम करो, मेहनत करो, अपने जो भी आपकी दिनचर्या है उस पर ध्यान दो। अगर आप घर में हो
मैंने जैसे कहा बॉडी बिल्डिंग पे काम करो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, ब्रह्मचर्य के वीडियोस देखो। माइंड को बदलने के लिए हमें अभ्यासों को बदलना है, तभी हम मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। इस पर हमको थोड़ा सा जबरदस्ती करनी पड़ेगी मन पे, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।